नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन एनकरेज का काम करता है। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, HSSC CET की 5 बिग ब्रेकिंग अपडेट है जी। CET अन्य ग्रुप एग्जाम और DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड, और CET पर CM और HSSC चेयरमैन की क्या बिग मीटिंग हुई, पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। ये सबसे बड़ी अपडेट है जी, आज की लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, अब उम्मीदवारों को 1 महीना और करना होगा इंतजार, इंतजार 1 महीना हो और करना होगा सभी को, ठीक है जी। जो कि आपको पता है भी एक ही गलती हुई है HSSC, जो कि हाई कोर्ट के ने ऑर्डर में प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं कराने का किया जिक्र। तो इसमें अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, भर्तियां लटकी हैं, जब तक अदालत नहीं कहेगी किसी भी ग्रुप का कोई भी पेपर नहीं हो सकेगा, ठीक है जी। तो बहुत बड़ी अपडेट है ये आज की, यहाँ पर उलझता जा रहा है HSSC, ठीक है जी। ग्रुप सी की भर्तियों का मामला जो है वो अब उलझता ही जा रहा है और ही और बढ़ रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रकाशित ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों की भर्ती का मामला उलझता जा रहा है। ग्रुप सी के CET स्कोर में NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि ओवरऑल इंडिया के एग्जाम्स अरेंज करती है, तो उनकी तरफ से लिए गए पेपर के अंक और हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक या तो परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिल रहे हैं, या उम्मीदवारों की तरफ से सर्टिफिकेट अपलोड करने के आधार किए दावे अनुसार मिल रहे हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं, सरकारी नौकरी में ना होने के अंक मिलते हैं, तो विधवा होने के, उम्मीदवार अनाथ होने, पिता के समय से पहले मृत्यु होने और सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में की गई अस्थाई नौकरी के अनुभव के अंक मिलते हैं। कुल 3,59,000 उम्मीदवार हैं CET में पास हुए हैं, इनमें से लगभग 1,00,000 ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने का दावा नहीं किया, 1,00,000 ने। बचे 2,59,000 उम्मीदवार, उन्होंने असामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा सही या गलत है इसका पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन हो सकती थी। सिंगल बेंच की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए हैं कि पहले वेरिफिकेशन हो, उसके बाद CET स्कोर को संशोधित सूची जारी हो, मगर HSSC ने यह वेरिफिकेशन नहीं करना चाहता है। अब आयोग के पास 1 ही महीना है, अगर आयोग चाहे तो यह वेरिफिकेशन कर सकता है, ताकि अगली सुनवाई तक वेरिफिकेशन के बाद अगर CET स्कोर में बदलाव होता है तो उसका रिजल्ट भी तैयार हो। जब तक अदालत से अनुमति नहीं मिलती तब तक किसी भी ग्रुप का कोई भी पेपर नहीं होगा, ये क्लियर है जी। और इन 2.59 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 4,000 उम्मीदवारों का डाटा वेरीफाई होने के बाद ठीक हो चुका है, तो इस तरह लगभग बचे हैं 2,19,000 उम्मीदवार। तो अगर डाटा वेरीफाई हो जाए तो मुकदमेबाजी भी रुक जाएगी और भर्ती प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। जब तक अदालत नहीं कहेगी किसी भी ग्रुप का कोई भी पेपर होना नहीं संभव नहीं होगा और भर्तियां लटक जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिन ग्रुपों का पेपर लेना चाहता था उन ग्रुपों के उम्मीदवारों का अब 1 और महीना इंतजार बढ़ गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को दी है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फीस नहीं फिलअप की थी, बस यही गलती रह गई HSSC की, ये कह सकते हो जानबूझकर हुई है या की गई है। तो चीफ जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ का एक अंतरिम आदेश 2 सितंबर को अपलोड हुआ है,
इस अंतरिम आदेश में लिखा है कि ऑफिस रिपोर्ट इंगित करती है कि प्रतिवादी गणों को प्रोसेसिंग फीस की आवश्यकता होने के कारण जारी नहीं हो सके। अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा के ने प्रार्थना की है कि इस संबंध में हल करने के लिए आवश्यक मेजर उठाने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। अनुपालना होने पर 3 अक्टूबर 2023 के लिए नोटिस जारी किए जाएं। जैसे ही यह अंतरिम आदेश वेबसाइट पर अपलोड हुआ, वैसे ही पेपर होने का इंतजार कर रहे सिटी पास अभ्यर्थी सभी के सभी निराश हो गए। अभी तक ग्रुप 56-57 के जो पेपर के में 41 सवाल रिपीट हो गए थे हैं। रिपीट होने का मामला भी अलग से हाईकोर्ट में लंबित है, मगर जस्टिस हरमन सिंह सेठी की सिंगल बेंच ने सीटी स्कोर सूची रद्द कर एचएसएससी को संशोधित सूची जारी करने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ एचएसएससी ने अपील दायर की थी, जिस पर सुबह सुबह सुनवाई हुई थी और खंडपीठ ने 56-57 ग्रुप का पेपर लेने की अनुमति दे दी थी। साथ ही में अदालत में प्रतिवादी गण को 1 सितंबर 2023 के लिए नोटिस जारी किया गया था। लगभग 4 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी एचएसएससी ने फीस प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करवाई। अगर फीस जमा हो जाती तो प्रतिवादी गण को नोटिस जारी हो जाता और 1 सितंबर 2023 को सुनवाई हो जाती। क्योंकि 1 सितंबर को सुनवाई के अंतरिम आदेश में प्रोसेसिंग फीस जमा ना होने के कारण नोटिस जारी नहीं होना लिखा गया है, इसलिए एचएसएससी की उस दलील में कोई दम नहीं रहता है कि अपीलें दायर करने के लिए समय चाहिए था। अंतरिम आदेश में यह कहीं लिखा गया है कि अपीलकर्ताओं ने और अपीलें दायर करने का समय मांगा है, तो हल फिलहाल यही क्लियरेंस है भी एचएसएससी ने फीस जमा नहीं करवाई। अगर फीस जमा करवाई जाती तो ये समय नहीं पड़ता। अब 3 अक्टूबर दे दी गई है अगली सुनवाई की तारीख। अगर फिर भी एचएसएससी फीस नहीं जमा करवाएगा, फिर भी अपीलें 1 महीने में नहीं तैयार करेगा, फिर भी अगर जो वेरीफाई करने हैं 2,14,000 कैंडिडेट उनका डाटा वेरीफाई नहीं करेगा 2,19,000 का, तो भी ये आगे भर्ती लंबित होती जाएगी होती जाएगी। तो पता नहीं कितना समय लग सकता है। अगर एचएसएससी चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, एचएसएससी चाहे 1 महीने के अंदर अंदर पेपर अरेंज करवा सकता है, एचएसएससी के हाथ में है। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो आपको देने जा रहे हैं वो भी बताई दे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, अब तृतीय श्रेणी पदों पर खिलाड़ियों को मिलेगा 3% आरक्षण। जिन्होंने खेल कोटा के कह लें, खेल विभाग तैयार करेगा पदों का कोटा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चलाएगा विशेष भर्ती अभियान, गृह, खेल, स्कूल शिक्षा, मौलिक शिक्षा, जेल, वन और वन्य जीव तथा ऊर्जा विभाग में भी मिलेगा आरक्षण, यानी कि सभी में 3% स्पोर्ट्स कोटा रहने वाला है। स्पोर्ट्स इवेंट में जिन्होंने भी प्रतियोगिताएं की हैं जो भार वर्ग की तक सीमित नहीं होंगी, यानी कि सभी को ही 3% नौकरी का फायदा मिलेगा। जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है उनको भी आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, 7 ग्रुपों में ग्रुप सी की भर्तियों में 3% पद अब खिलाड़ियों के लिए। भर्ती की संशोधित नीति जारी, सरकार ने 3 नए विभागों में भर्ती के खोले द्वार, नए द्वार खोल दिए हैं जी। जिन्होंने कोई भी गेम जीता है, गेम खेला है, तो सीएम ने आज अधिकारियों के साथ बैठक करके ऐसे 1,000 ESP खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीटी परीक्षा पास की है, तो उनके लिए साफ साफ बता दें 7 विभागों में 3% रिजर्व कोटा खिलाड़ियों के लिए रख दिया गया है, बना दिया गया है। जैसे रिजर्व कैटेगरी होती है SC BC, ऐसी तरह खिलाड़ियों का भी स्पोर्ट्स कोटा अलग से ग्रुप सी और डी में बना दिया गया है। तो इसमें बता दें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है जी, ये आज की अपडेट्स थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। अभी तक 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कोई अपडेट आएगी फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारा काम है शेयर करना, आपके लिए इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करके लाते हैं, इसलिए आपसे यही दरख्वास्त है, यही उम्मीद करते हैं अभी आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इस तरह की अपडेट्स मिल सके। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को उम्मीद
मिल जाए किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे ही मोटिवेशन होता है तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।